तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, जब कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन। ये जो एहतजाज हमारे बहनों का, हमारे नौजवान दोस्तों का, हमारे किसानों का, हमारे भाइयों का, और इस पूरे एहतजाज को एक नई दिशा, एक नई दिशा ऊर्जा करने वाला कन्हैया कुमार का है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई, ये जमहूरियत को बचाने की लड़ाई, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हक और हकूक हमको दिए हैं उसकी ये लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। हमारा ये कारवा 30 जनवरी से चंपारण से चला है एक साथ। उस कारवा पे बेतिया में, खितेड़वा में भी लोगों ने रोकने की कोशिश की। 7 दिनों के अंदर हम हमलों के साये में आगे गुजर रहे हैं, लेकिन हमने तय किया है कि हमलों के साये में भी हम मोहब्बत और प्यार और अमन आशिकी के फूल बरसाते हुए आगे जाएंगे। हमारा कारवा, हमारा जद्दोजहद, हमारा संघर्ष बुनियादी सवालों के लिए है। इस देश के नौजवानों के रोजगार का क्या होगा, इन महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उनका क्या होगा, किसानों को जो सही कीमत नहीं मिलती है उनका क्या होगा, सहरसा के नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाकर दर दर न भटके उनका क्या होगा। इसलिए बड़े सवाल के लिए हम लोग इस कार्रवाई में शामिल हैं, और जो मदद, जो मेहनत और जो कोशिशें आप लोगों की तरफ से हो रही है, इन कोशिशों में पूरा यकीन है कि 29 फरवरी को गांधी मैदान की वो रैली, शान रैली, तारीखी रैली ये बताएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके साथ एक और छोटे साहब है वो समझ ले, जनता की पलटनिया चलती है तो आवाज नहीं आती है, जनता आती है सिंहासन खाली करो। तो आप हम लोग इनको सुनना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा विरासत, हमारी तहजीब, हमारा तमाशो, हमारी जबान, ये सब मिलकर के हिंदुस्तान बनता है। ये भारत पूरे दुनिया में इसीलिए मशहूर है कि मुख्तलिफ जबान मजाहिब के लोग, तमाम लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ रिश्ते उसवार करते हैं। मेल जोल मोहब्बत ऐसी है कि इसके मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उस मिसाल के ऊपर अगर कोई हमले होंगे, उस हमले के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के आवाम और खासतौर पर हमारी बहनें जो हर फिरके के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम मुताहिरों का सबके मानने वाले बेहतर मानने वाले और मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप इस कारवा को अपनी दुआओं से निकल जाए, अपनी दुआओं से इसको इतना दुआ दीजिए कि हमें कामयाबी और मंजिल महसूस करके हम पहुंच सके। और ये जो शरीफा सुरवा है, जो कानून नारा है, जिसके बुनियाद पर तमाम लोग तकनीकी और प्रशासन में भरपूर वाली है, इतिहास की कोई बहस नहीं होगी, रोजगार की कोई बहस नहीं होगी, किसानों की कोई बहस नहीं होगी, औरतों को उनकी इज्जत मिले उस पर कोई बहस नहीं होगी। शुरू से जो बहस करना चाहते हैं नशे मन पर नशे मन पर इस खतर